अगर तुम वाकई में बाप है, बाप हो, तो ये रामगिरी नामी कुत्ते की जो है भड़वागिरी क्यों कर रहे हो? हमारी नजर में तुम बाप नहीं बल्कि रखेल बनकर काम कर रहे हो ये बीजेपी गवर्नमेंट की। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये भड़वागिरी छोड़िए, वाकई में अपने बाप होने का साबित अगर सबूत देना चाहते हो तो कानूनी दायरे में रहकर, किसी व्हाइट कलर के प्रेशर में आकर नहीं, किसी हुकूमत के प्रेशर में आकर नहीं, किसी लीडर के प्रेशर में आकर नहीं, किसी की जात के प्रेशर में आकर नहीं, बल्कि अपनी खाकी वर्दी की जिम्मेदारी निभाते हुए। और उल्टा हुआ, प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग कानूनी है तौर से प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपना अधिकार को मांग रहे थे, उन लोगों पर जो है जुल्म हुआ, उनके ऊपर केस हुए, अरेस्ट हुए, जबकि हजारों केस जो है रामगिरी के नाम पर भी हुए, लेकिन वहां पर कोई अरेस्टिंग नहीं हुई। महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन है, उसके तहत ये भड़वे को जो है एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, इस भड़वे को जो है सिखाया गया है, इस भड़वे को ये बताया गया है कि माहौल को खराब करने के लिए इन अल्फाजों का इस्तेमाल करें बोलकर, इस देश को माहौल को ना खराब करने के लिए ऐसे भड़वों को जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त अरेस्ट, सख्त से सख्त जो है सजा दी जाए। और हमारी एक डिमांड इसे फांसी तक की है कि अगर हो सके तो इसे फांसी भी दिलाया जाए। के बावजूद भी हिंदुस्तान भर के सेकुलर मुस्लिम लीडर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, सेकुलर पार्टीज की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि हमारे लोग जो है अगर सिद्धरामैया पर कोई केस के ताल्लुक से बात करता है तो हम रास्तों पर आते हैं, गांधी चौक में आते हैं, बाबा साहब अंबेडकर सर्कल में आते हैं, आवाज उठाते हैं, लड़ने लगते हैं, रोने लगते हैं, किसको खुश करने के लिए? सिद्धरामैया को खुश करने के लिए, राहुल गांधी को खुश करने के लिए, सोनिया गांधी को खुश करने के लिए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है तो हमारे लीडर जो है जगह पर मौजूद नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। आपको किस कदर अवाम ने लीडर बनाया है, आपको किस कदर अवाम ने लीडर माना है, आपको अवाम के फेवर में सोचना है पार्टी के नहीं। आज मैं भी एक अलहदा पार्टी से आकर MIM के मंच पर खड़े होकर बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरी पार्टी इजाजत देती है कि अगर मेरे कम्युनिटी का इश्यू है, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में घुसपैठ की बात है, तो तुम मुस्लिम एक होकर खड़े होकर इसके लिए खिलाफ लड़ना जरूरी है बोलकर, अगर तुम्हें तुम्हारी पार्टी इजाजत नहीं तो जूते पर रखो ऐसे पार्टियों को, और सर पर बैठाओ अपने ताज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनके नाम का। अगर उनके लिए तुम्हारे दिलों में मोहब्बत नहीं है तो याद रखो दुनिया के अंदर तुम्हारे लिए बहुत वक्त नहीं जाएगा कि तुम जलील होकर दुनिया में साबित करे जाओ। स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में, मैं आपके साथ सुफियान। आइए आज की खबर पर नजर डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज शहर बीजापुर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से एक DC साहब को मनवी देना तय पाया गया था, जिसमें खास तौर से मकसद था कि जो महाराष्ट्र के अंदर एक रामगिरी नामी खिंजीर जिसने जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उसके ताल्लुक से जो है आज MIM वालों की जानिब से एक मेमोरेंडम दिया गया था। तो हमारा भी जो है एक उम्मती होने के नाते, मुसलमान होने के नाते, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इसे सपोर्ट करें, जिसके नाते हम लोग भी जो है यहाँ पर मौजूद थे और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ भी थे। हमारा DC साहब से एक मेरा हमारी जानिब से एक रिक्वेस्ट ये है कि ऐसे लोगों के ताल्लुक से खास करके आप हमारे मेमोरेंडम को आगे फॉरवर्ड करें और एक्शन लेने पर जो है प्रेशर क्रिएट करें, क्योंकि जिस कदर एक हिंदुस्तान का माहौल है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे खिंजीर रामगिरी नामी लोगों के तहत, लोगों के जरिए ये पूरे मुल्क को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और जिस कदर इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मैं आपको बताऊं तो ऐसी शख्सियत जो दुनिया भर में अमन, शांति, इंसाफ पसंद और इंसानियत की सबसे बेहतरीन अगर कोई मिसाल है पूरी दुनिया भर में, तो वो सिर्फ और सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब ऐसी शख्सियत पर तुम्हारी जो है एक गलत बदजबानी जब तुम्हें करते हैं तो तुम्हें ऐसे तो शरीयतन तौर पर देखें तो तुम्हें जो है बहुत कड़ी से कड़ी सजा के जो है हकदार हैं, लेकिन हम जो सजा जो है कानूनी तौर पर मांग रहे हैं, हिंदुस्तान की हुकूमत से कानूनी तौर पर सजा मांग रहे हैं कि इसे सख्त से सख्त सजा दे, और हमारी मांग है कि ये ऐसे शख्स को जो है फांसी की सजा दे। यहाँ पर हो क्या रहा है, जिस शख्स की वजह से वायलेंस फैला है मुल्क भर के अंदर, जिस शख्स की वजह से जो है जगह जगह पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिस शख्स की वजह से मुल्क पूरा डिस्टर्बेंस की तरफ जा रहा है, वैसे शख्स को प्रोटेक्शन देकर जो लोग जो अपना कानूनी अधिकार इस्तेमाल करते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस जो है गिरफ्तार करके रोड से इनकी रैली निकाल रही है और ये नारे लगा रही है उनसे कि जुर्म करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। बल्कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से सवाल उठाता हूँ, पूछता हूँ, अगर तुम वाकई में बाप हो तो ये रामगिरी नामी कुत्ते की जो है भड़वागिरी क्यों कर रहे हो?
हमारी नजर में तुम बाप नहीं बल्कि रखेल बनकर काम कर रहे हो बीजेपी गवर्नमेंट की। तो मैं आप लोगों के सामने ये बात बताना चाहता हूं कि ये भड़वागिरी छोड़िए, वाकई में अपने बाप होने का साबित अगर सबूत देना चाहते हैं तो कानूनी दायरे में रहकर, किसी व्हाइट कलर के प्रेशर में आकर नहीं, किसी हुकूमत के प्रेशर में आकर नहीं, किसी लीडर के प्रेशर में आकर नहीं, किसी की जात के प्रेशर में आकर नहीं, बल्कि अपनी खाकी वर्दी की जिम्मेदारी निभाते हुए कानून के दायरे में रहते हुए आप कानूनी सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना जरूरी था। बल्कि यहाँ पर उल्टा हुआ, प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग कानूनी है तौर से प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपना अधिकार को मांग रहे थे, उन लोगों पर जो है जुल्म हुआ, उनके ऊपर केस हुए, अरेस्ट हुए, जबकि हजारों केस जो है रामगिरी के नाम पर भी हुए, लेकिन वहां पर कोई अरेस्टिंग नहीं हुई। हुकूमत फेवर में आ रही है, डिपार्टमेंट फेवर में आ रहा है, मीडिया फेवर में आ रहा है, ये आप साबित करना चाहते हैं कि आप देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। जिस कदर अभी आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन है, उसके तहत ये भड़वे को जो है एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, इस भड़वे को जो है सिखाया गया है, इस भड़वे को ये बताया गया है कि माहौल को खराब करने के लिए इन अल्फाजों का इस्तेमाल करे बोलकर। तो हमारी एक मांग है कि इस देश को माहौल को ना खराब करने के लिए ऐसे भड़वों को जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त अरेस्ट, सख्त से सख्त जो है सजा दी जाए, और हमारी एक डिमांड इसे फांसी तक की है कि अगर हो सके तो इसे फांसी भी दिलाया जाए। सर देखिए, बीजेपी हुकूमत जब से 2014 से देश में जो है सत्ता में आई हुई है, वो यही हथकंडे अपना रही है कि जब तक देश को नहीं बांटेगी हिंदू मुस्लिम के अंदर, वो राज नहीं करेगी बोलकर। इस बार फिर भी देश के जिम्मेदारों ने, देश के जो है नागरिकों ने बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस पर इन्हें अकल आनी चाहिए कि देश में जो है जातिवाद नहीं चलेगा, जातिवाद को बढ़ावा नहीं चलेगा, किसी कम्युनिटी को टारगेट करके, या फिर मुसलमान हो, या दलित हो, या आदिवासी हो, या फिर कोई भी माइनॉरिटीज की कम्युनिटी को आप टारगेट करके इस देश में राज नहीं कर सकते। ये आपको बताया है इस बार, लेकिन इससे आपको अभी भी सबक नहीं मिला। आज मैं एक बात आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा कांड इस देश में होने के बावजूद भी हिंदुस्तान भर के सेकुलर मुस्लिम लीडर, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, सेकुलर पार्टीज की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि हमारे लोग जो है, अगर सिद्धरामैया पर कोई केस के ताल्लुक से बात करता है तो हम रास्तों पर आते हैं, गांधी चौक में आते हैं, बाबा साहब अंबेडकर सर्कल में आते हैं, आवाज उठाते हैं, लड़ने लगते हैं, रोने लगते हैं। किसको खुश करने के लिए? सिद्धरामैया को खुश करने के लिए, राहुल गांधी को खुश करने के लिए, सोनिया गांधी को खुश करने के लिए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है तो हमारे लीडर जो है जगह पर मौजूद नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। आपको किस कदर अवाम ने लीडर बनाया है, आपको किस कदर अवाम ने लीडर माना है, आपको अवाम के फेवर में सोचना है, पार्टी के नहीं। आज मैं भी एक अलग पार्टी से आकर एमआईएम के मंच पर खड़े होकर बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरी पार्टी इजाजत देती है कि अगर मेरे कम्युनिटी का इश्यू है, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में घुसपैठ की बात है, तो तुम मुस्लिम एक होकर खड़े होकर इसके खिलाफ लड़ना जरूरी है बोलकर। अगर तुम्हें तुम्हारी पार्टी इजाजत नहीं, तो जूतों पर रखो ऐसे पार्टियों को, और सर पर बैठाओ अपने ताज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनके नाम का। अगर उनके लिए तुम्हारे दिलों में मोहब्बत नहीं है, तो याद रखो दुनिया के अंदर तुम्हारे लिए बहुत वक्त नहीं जाएगा कि तुम जलील होकर दुनिया में साबित करे जाओगे। सर FIR दर्ज है, FIR दर्ज किए गए हैं, FIR तो बहुत हो चुके हैं, एक्शन कहां हुआ? उसे उल्टा बचाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, उस पर अरेस्टिंग होना था। इतनी बड़ी कम्युनिटी के ताल्लुक से, इतना बड़ा हर्ट करने वाली जब बात की है, इस देश के माहौल को खराब करने वाली जब बात की है, तो तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जा रहा, क्या मतलब है इसका? कानूनी व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया कर रहे हैं हुकूमत की जानिब से, याद रखिए। हमारी मांग यही है कि इसे अरेस्ट किया जाए और फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए। अरेस्ट नहीं किया जाए तो आपका आने वाला देखेंगे। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में और भी मुस्लिम लोग या फिर माइनॉरिटीज के सभी एक होकर, ऐसे लोग, मैं ऐसा नहीं कहता कि जिस जाति से वो स्वामी या फिर वो शख्स बिलोंग करता है, उन्हीं के जाति के लोग भी ऐसे स्टेटमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, तो तमाम हिंदू मुसलमान जो है इस देश के अंदर एक होकर इसके खिलाफ और भी आवाज उठाएंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम अताउल्ला दराक्षी, SDPI जिला सदर। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.